Hello everyone, welcome back to the channel. संडे का दिन है, 8:30 का टाइम हो रहा है, अभी बन रही है चाय. तो चलिए फिर चाय के साथ ही हम अपना आज का दिन शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मैं एक तरफ घी जो है ना मक्खन उसको मैं रख दे घी बनने के लिए मैं अभी रख दूंगी. तो वो धीरे धीरे उसको थोड़ा सा ना टाइम लगता है. तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और फिर जैसा जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी. यहाँ पर चाय बन गई है तो यहाँ मैंने चाय छान ली है और हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं, लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा था और मुझे अपने आगे के काम भी करने थे, इसलिए मैंने यहाँ चाय ना बना ली थी. कल रात को वो अपने ऑफिस के किसी डिनर में गए थे तो उनको आने में बहुत लेट हो गया था. तो यहाँ अब मैं आराम से सुकून से बैठ के चाय पीऊंगी. लेकिन कल मैंने मिट्टी में एक मनी प्लांट लगाया था तो मैं फिलहाल उसको देखने आई थी कि कहीं बारिश हुई है रात में इस तरफ पानी आया हो तो वो मतलब झुक तो नहीं गया, बट वो अच्छा था. और इसी के साथ ना मैंने तुलसी के बीज भी डाल दिए हैं. घी यहाँ पर बन गया था तो घी को मैं छान लूंगी और जितनी जल्दी मैंने आपको दिखाया है ये उतनी जल्दी नहीं बना, थोड़ा सा ना इसमें टाइम लगता है. तो देखिए घी को मैं छना लूंगी और घी का प्रॉपर जो भी वीडियो है मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए घी को मैंने जब हल्का सा ठंडा होता है ना तभी आप घी को छान के रख दीजिए. तो उससे क्या होता है कि वो अच्छे से ना मतलब निकल जाता है सारा. यहाँ मैंने गर्म पानी लिया है और ऊपर जो रेसिड्यू बचता है ना उसके ऊपर मैं लगभग 1-1.5 कटोरी पानी, अच्छा खोलता हुआ पानी मैं डालूंगी और अच्छे से. तो जो घी की जो मेहरी रहती है आप क्या बोलते हो ये एकदम सॉफ्ट हो जाती है और इसमें अगर एक एक बूंद इसका जो घी होता है ना वो पानी के साथ आपका नीचे आ जाता है. पानी को मैंने दूसरे बर्तन में कर दिया है और जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी. यहाँ पे ना डिश वॉशर का सॉल्ट खत्म हो गया था, सॉल्ट का इंडिकेशन आ रहा था तो यहाँ पर हस्बैंड जो है वो डिश वॉशर में सॉल्ट रिफिल कर रहे हैं. मेरे पास बहुत ही थोड़ा सा बचा था और मैं IFB का सॉल्ट यूज करती हूँ डिश वॉशर में, अच्छा है ये. और डिश वॉशर का यूज मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ ना, इसलिए बहुत जल्दी मुझे नहीं खरीदना पड़ता है. जैसे वीक में ज्यादातर वीकेंड के दिन मैं डिश वॉशर का यूज करती हूँ, बाकी टाइम तो मैं हाथ से ही क्लीन करके बर्तन रख देती हूँ. यहाँ पे बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट. तो मैं सेवैयां का उपमा बना रही हूँ वर्मीसेली का. तो मैंने थोड़े से घी में थोड़ी सी चने की दाल, उड़द की दाल, राई ऐड की है, फिर प्याज, हरी मिर्च और करी लीव्स ऐड की है. जब ये हल्का सा सिक जाएगा तो मैंने इसमें 1 कप जो है वो वर्मीसेली ऐड कर दी है. तो ये अनरोस्टेड वर्मीसेली है तो मैं इसको इसी स्टेज पे सेक रही हूँ ताकि प्याज थोड़ा ही सिका है तो वो वर्मीसेली के साथ अभी और भी अच्छे से ना सिक जाएगा. इसके बाद मसाले कर देते हैं. तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी ऐड की है. तो वर्मीसेली को आपको थोड़ा सा ना गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको सेक लीजिएगा. पानी लिया है बिल्कुल उबलता हुआ, जितनी वर्मीसेली है उसका डबल आपको इसमें पानी ऐड करना है. ठंडा पानी के साथ मैंने कभी नहीं बनाई है इसीलिए मैं उसका रिजल्ट नहीं जानती हूँ. बस नमक ऐड करना है आपको. मैं यहाँ पे फ्रोजन पीज यूज कर रही हूँ और आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी सब्जी पहले ऐड कर सकते हैं. फिर नींबू का रस डाल दिया, मिक्स कर दिया और बस इसको ढक के ना अब हम छोड़ देंगे. तो थोड़ी देर में ना ये अच्छे से देखिए फूल जाती है और पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है. तो मैंने यहाँ पर MTR की वर्मीसेली यूज की है तो 1 कप वर्मीसेली में 2 कप पानी बहुत आराम से लग जाता है. तो हमारा ये डिलीशियस सा उपमा बन के ना रेडी हो गया है. उसके बाद जस्ट मैं खाने की तैयारी करने लगी थी तो यहाँ पर आज मैं पकोड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ. तो प्याज मैंने फाइनली चॉप किया है, उसमें मैंने लगभग 4 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है, नमक, हींग, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ. सूखी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद पानी डाल के इसका एक जो पकोड़े का जो बैटर होता है ना वो हम रेडी कर लेंगे. दस मिनट रेस्ट करने के बाद मैंने इसमें लगभग 2 पिंच बेकिंग पाउडर ऐड किया. आप चाहे तो 2 पिंच इनो भी ऐड कर सकते हैं जिससे बहुत ही सॉफ्ट बिल्कुल रुई जैसे मुंह में घुलने वाले आपके पकोड़े रेडी होते हैं.
और बस मीडियम हॉट ऑयल में आपको इसके पकोड़े जो है वो तल लेना है। तो अगर आप चाहें तो आप बिना प्याज के भी सेम तरीके से पकोड़े बना सकते हैं। अगर आप इसमें बेकिंग पाउडर या इनो नहीं डालते हैं तो आप इसमें हाफ पिंच के करीब बेकिंग सोडा आप इसमें डाल दीजिए, तो भी आपके पकोड़े ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए पकोड़े बन के मेरे हो गए हैं रेडी। अब कढ़ी का जो घोल है वो बना लेते हैं। तो जिस गंजी में मैंने बेसन घोला था, सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पूरा बेसन उसका निकाल लिया है और उसको साइड में रख दिया है। यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून लिया है बेसन, और इसमें पहले तो मैंने 2-3 चम्मच पहले तो मैं दही ऐड करूंगी और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। ऐसा करने से ना बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ते हैं बेसन में। इसको अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए, फिर इसके बाद आप इसमें दही ऐड करते जाइए और इसका पेस्ट अच्छे से बना लीजिए। दही को भी आप अच्छे से फेंट लीजिए। अगर आप हाथ से नहीं कर पा रहे ना तो मिक्सर के जार में डाल के भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप उसको जितना अच्छे से लंप फ्री बनाएंगे ना, दही के फटने के चांसेस कढ़ाई में जाने के बाद उतने कम रहते हैं। एक बार गाढ़ा घोल बना लीजिए, फिर बस पानी डाल डाल के आप उसको पतला कर लीजिए। तो ये देखिए ये गंजी को मैंने क्लीन करके भी अच्छे से पानी इसमें ऐड कर दिया है, और बस लगभग मैंने यहाँ पर ना टोटल 3 गिलास के करीब मैंने पानी यहाँ पर यूज़ किया है। कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने तेल लिया है, 1 चम्मच के करीब तेल डाला है, थोड़ी सी मेथी ऐड की है, थोड़ी सी राई यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, हींग ऐड कर रही हूँ, करी लीव्स और हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर ऐड की है, और बस जो घोल हमने बनाया था ना वो घोल आपको अब इसमें डाल देना है और इसको कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। में जब बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी हल्दी रेड चिली पाउडर ऐड करना है। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, और इसके बाद बस आपको इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें आपको नमक स्वाद के हिसाब से ऐड कर देना है। तो नमक आप सबसे लास्ट में ऐड कीजिए। अब इसको छोड़ दीजिए, लगभग 20-25 मिनट आपको उबलने के लिए इसको ना छोड़ देना है। 20-25 मिनट जब आपके हो जाएंगे ना तो फिर उसके बाद हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे, अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और फिर हम इसे लगभग 15 मिनट के लिए बॉईल के लिए छोड़ देंगे। जब तक कढ़ी बॉईल होती है तो जीरा राइस बनाते हैं। पैन में थोड़ा सा घी लिया है, गर्म होने के बाद उसमें जीरा और नमक ऐड किया है, और ये 20 मिनट पहले सोक किए हुए 1 कप चावल मैंने यहाँ ऐड किए कर दिए। इनको लगभग 20 सेकेंड आपको बिल्कुल हल्के हाथों से भून लेना है ताकि इनका पानी जो है ना वो हल्का सा जल जाए। ऐसे में बहुत टेस्टी बनता है। बस यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है और 1 कप राइस के साथ में यहाँ पर मैं 2 कप पानी डाल दूंगी, और जब इसमें बॉईल आने लगेगा तो गैस आपको कर देना है सिम और बस इसको ढक के आपको पकने के लिए छोड़ देना है। राइस अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो पहले कढ़ी का तड़का लगा लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, उसमें मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये ऊपर उचटता है इसलिए मैंने इसको ढक्कन से ढक दिया। इसके बाद मैंने इसमें राई ऐड की है और ये खड़ी लाल मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हींग मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं पहले ही कढ़ी में हींग ऐड कर चुकी थी। थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड की है। गैस को बंद करने के बाद आपको डालना है और बस इसका बघार आप लगा दीजिए कढ़ी के ऊपर। तो इस मेजरमेंट से कढ़ी ना तो बहुत बनती है ना ही बहुत गाढ़ी बनती है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, आप किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो देखिए कढ़ी रेडी है, चावल देख लेते हैं। देखिए चावल का पानी पूरा सूख गया था तो मैंने फ्लफ कर दिया था और चावल एक एक खिला खिला सा ही चावल यहाँ पर रेडी हुआ है। प्लेटिंग करते हैं आज की थाली की। तो राइस है यहाँ पर, कढ़ी है, मैंने पापड़ सेक लिया था, उसके बाद सैलेड में आज सिर्फ क्यूकुम्बर था और कुछ भी नहीं था क्योंकि सारी सब्जियां खत्म हो रही हैं। ये मिर्च का अचार है जिसकी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूंगी, और रोटी है। अभी ये टाइम हो रहा है, बज रहे 4:30 और अब हम जा रहे हैं बाहर।
हम जा रहे हैं रिलायंस तक, क्योंकि एक दो कपड़े थे वो छोटे हो गए हैं, तो वो हम एक दो नहीं है, 5-6 हैं, उनको हम डोनेशन बॉक्स में वहाँ डाल देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉबी क्लीन करने वाले भैया है ना, उनको कितनी बार बोल दो कि आप ले जाना ले जाना ले जाना, वो आते ही नहीं है कभी भी लेने। तो वो बहुत दिनों से, 2-4 महीने से पड़े हैं, लगभग 6-7 कपड़े होंगे, और थोड़े थोड़े निकलते जाते हैं ना, तो फिर वो घर में जो है वो क्लटर जमा ही नहीं होता, तो वो हम डोनेशन में वो दे के आ जाएंगे। और अच्छा हाँ, एक गमला लेना है मिट्टी का, तो वो हम लेकर आ जाएंगे। बस ये दो काम है, थोड़ा सा सामान है, 2-3 चीजें बस खरीदनी, स्पेशली साबूदाना और चाय पत्ती, ये 2 चीज है जो हमने पिछले महीने ग्रोसरी में नहीं ली थी, तो वो चीज हमको लेके आना है बस। तो ये 3-4 काम है जिनको करके हम आते हैं वापस। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जैसे ही मैं गमला खरीद के गाड़ी में बैठी हूँ, बाप रे इतनी तेज बारिश आई है ना, कि फिर आखिर हमने रिलायंस में कपड़े दे दिए थे। वहां से वापस आने के बाद संध्या कर ली थी मैंने। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, सुबह में जो घी का पानी में मैंने डाल के रखा था ना, तो देखिए इस तरीके से ऊपर पूरा घी जम गया है, और मैं सुबह इसका यूज करूंगी, तो लगभग 2-3 चम्मच घी ना इससे आराम से निकल जाता है, और आप इसका यूज कर सकते हैं, और पानी का यूज मैं कल राइस बनाने में कर लूंगी। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो डिनर में आज मैं टिक्की चाट बनाने वाली हूँ, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड है, मुझे तो खाना ही नहीं है। तो देखिए ये टिक्की फ्रोजन टिक्की है, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वीक में या 15 दिन में एक बार मैं इसकी चाट जरूर बनाती हूँ। ये मोट स्प्राउट्स की, चने की, और पूरी रेसिपी जो है वो मैंने शेयर की हुई है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो मैं उसको गर्म कर लेती हूँ, तो यहाँ पर पैन में मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, और बस अब आपको इन टिक्कियों को इसमें रख देना है, और सेम आंच पर अभी आपको 8-10 मिनट इसको बिल्कुल छोड़ देना है। आप चाहे तो आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं इसको। मीनवाइल मैं तैयारी कर लेती हूँ, तो मेरे पास पापड़ी नहीं है, तो ये जो पानी पूरी है ना, ये माइक्रोवेव में फूल जाती है, तो मेरे पास 8-10 ही बची हुई थी, तो मैं इसको माइक्रोवेव में पहले तो सेक लूंगी, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगी। आठ से दस मिनट के बाद बस आपको इनको पलट देना है, और दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छे से ना ब्राउन होने तक सेक लेंगे। गैस को आपको सिम ही रखना है, नहीं तो ये टिक्कियां जल जाएंगी। यहाँ पे दही को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपको अच्छा थिक दही लेना है इसके लिए, आप इसको छन्नी में डाल के भी रख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चटनी ना फिर अच्छे से चाट में मिक्स नहीं होती है, दही के साथ हम उसको डालते हैं तो पूरे चाट में अच्छे से मिक्स हो जाती है वो। आप चाहें तो आप इस स्टेज पे थोड़ी सी मीठी चटनी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी इसमें ना शुगर भी इसमें आप डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये टिक्कियाँ दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेक गई हैं, तो अब हम अपने चाट को असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसके ऊपर दही जो हमने बना के रखा हुआ था, आप दही की क्वांटिटी कम या ज्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इस स्टेज पे टमाटर और क्यूकम्बर भी ऐड कर सकते हैं। पानी पूरी को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है,
और वो मैं अब इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा हल्दीराम का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी नमकीन इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा डेकोरेशन के लिए ऊपर मैंने दही डाला है, बहुत थोड़ी सी ग्रीन चटनी मैंने यहाँ ऐड की है, और मीठी चटनी ये बिल्कुल खत्म हो गई थी तो मैंने स्प्रिंकल बस इसको ऊपर से की है। इसके बाद मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर चाट मसाला, आप चाहें तो भुना हुआ जीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और हमारा डिलीशियस सा टिक्की चाट बन के रेडी हो गया है। इसके बाद जो सिर्फ ग्रेनाइट कोटिंग की कढ़ाई थी वो मैंने हाथ से क्लीन करके रखी है, बाकी सारे बर्तन मैंने दे दिए थे डिश वॉशर में। काउंटर टॉप क्लीन कर लिया, गैस क्लीन कर लिया। तो इसके साथ ही हम आ गए अपने इस वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप देखते रहिए बरखा की फंडे।